सो हे गाइस, मेरा नाम सुभेंद्र और आप देख रहे हैं सुपर टेक्निकल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आप कैनन की DSLR से जो है कैसे फोटो को अपने स्मार्टफोन में ले सकते हैं, वो भी वाईफाई की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक DSLR कैमरा होना चाहिए और DSLR कैमरे में जो है आपको वाईफाई की सपोर्ट होना चाहिए और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, आपको जाना है अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करनी है जिसका नाम है कैनन कैमरा कनेक्ट। ये एप्लीकेशन है, आप देख सकते हैं कैनन कैमरा कनेक्ट। इसको आपको प्ले स्टोर से जो है डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड कर लेने के बाद आपको अपने कैमरे पे जाना है। कैमरे को जो है सबसे पहले ऑन कर लेनी है। यहाँ पर कैमरे को सबसे पहले आपको जो है ऑन कर लेनी है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है मेनू में। यहाँ पर आपको मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरफ जो है वाईफाई और NFC, यहाँ पर आपको जो इसको इनेबल कर लेनी है। इनेबल करने के बाद नीचे देखिए वाईफाई फंक्शनिंग, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए कनेक्ट टू स्मार्टफोन यहाँ पर आपको जो है क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए इजी कनेक्ट, यहाँ पर आपको ओके कर देनी है और नीचे जो है यहाँ पर आपको ओके कर देनी है। जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है आपके जो नेटवर्क वाईफाई की चीज़ जो नेटवर्क है यहाँ पर शो होगी और नीचे यहाँ पर इसके पासवर्ड है। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपको जाना है अपने स्मार्टफोन में आपको जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स पे आपको जाना है। सेटिंग्स में क्या करना है, यहाँ पर आपको वाईफाई को ओपन कर लेनी और वाईफाई को इनेबल कर देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों EOS 1500D शो हो रहा है, इसमें आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक कर देने के बाद ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड से आपको जो है कैमरे को कनेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर जो है पासवर्ड डाल देती हूँ और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जो है ज्वाइन कर लेती हूँ। देखिए दोस्तों अभी जो है मेरा कैमरे के साथ जो है कनेक्ट हो गया। इसके बाद इसको मिनिमाइज कर लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन को जो है मैं ओपन कर लेती हूँ और जैसे एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगी यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगी। तो यहाँ पर आपको जो है देख सकते हैं कैनन EOS 1500D यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैमरे पर कुछ आ जाएगी, ऐसे ऑप्शन आ जाएगी। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पर जो है व्यूएबल ऑल इमेज यहाँ पर आपको जो है ओके कर देनी है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो है आप देख सकते हैं अभी जो है मेरे कैमरे के साथ स्मार्टफोन के साथ जो है कैमरा कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं अभी जो है मेरा स्मार्टफोन के साथ जो है कैमरा कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको इमेज ऑन कैमरे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके स्मार्टफोन में जो जितने सारे इमेजेस है आप सॉरी स्मार्टफोन या आपके DSLR में जितने सारे इमेजेस है यहाँ पर जो है आपके शो होने लगेगी। और देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक जो है ऐसे आपके पास इमेजेस शो होने लगेगी। तो आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए इम्पोर्ट की एक बटन है, इसमें आपको क्लिक कर देनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है मैं फ़ोटो जो है अपने स्मार्टफोन में जो है सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप जो है कैमरे के आप अपने स्मार्टफोन में लाइव रिमोट व्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लाइव व्यू शूटिंग यहाँ पर आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो कैमरा है वो चालू हो जाएगी। यहाँ से आप इसकी ISO वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ISO को बढ़ा लेती हूँ, देख सकते हैं दोस्तों अभी जो है मेरा लाइव चल रहा है। यहाँ पर कैमरा यहाँ पर फोकस मैनुअल है, फोकस को मैं ऑटो कर लेती हूँ। अभी देख सकते हैं दोस्तों फोकस भी बिल्कुल ठीक ठाक है और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो फोटो जो है उठ जाएगी। अभी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये मैंने फ़ोटो भी खींची है, आप इसका लाइव भी देख सकते हैं और लाइव फ़ोटो भी खींच सकते हैं।
और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।